आपके कोच हैं? सुरेश रैना, आरपी सिंह, मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, सुरेश रैना जो ना, पीयूष चावला। जी जी, पीयूष चावला। मतलब कि आप महागुरु हैं, आपने ऐसे योद्धाओं को तैयार किया है जो आज हिंदुस्तान को बड़े ऊंची लेवल पर ले गए, ठीक है। और आप यूपी के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? नहीं, सेक्रेटरी है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि प्रतिभाएं ढूंढने के लिए सर कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, 30 तारीख को हम इनके इनसे वापस से मुलाकात होगी। आपके सवाल जो भी हैं आप उनसे पूछें। सर, बड़ी बात, सर क्षमा करिएगा कभी गलती हुई। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो इस कोर्स में देखा हमने, उधर से आप देख सकते सर, सर ने बोला कि मैं स्लीपर में हूँ, मैं यहाँ चलूँगी, चलो मैं सर आप चले, क्योंकि आपके चरण चरण पड़ गए तो महान हो गए। जी सर, आप सब लोग को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। और बस इतना ही कहना है कि छोटी छोटी बातें होती जीवन में, वो बहुत बड़ी होती हैं, है ना। बड़ी बात तो सब कर लेते हैं ना, तो छोटी चीज़ ऐसी होती है तो वो इंजेक्शन इतना सा होता है लेकिन असर बहुत करता है ना। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1, रिगार्ड्स, आपसे छोटे हैं उनका भी रिगार्ड्स, बड़े हैं उनका भी रिगार्ड्स, और आपके समकक्ष हैं उनका भी रिगार्ड्स, है ना। तो अगर आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा, हर रूप में वापस मिलेगा। तीसरा ये है, विचार आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा आप आगे जाएंगे, वही होगा जो आप सोचेंगे। आप कभी भी आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा होगा, अगर आप ख़राब सोचेंगे तो जीवन में आपका हमेशा ख़राब होगा, अगर आप जीवन में नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत, और मेहनत के साथ अनुशासन, है ना। अब अनुशासन भी कई तरह का होता है, एक अनुशासन ऑन द फील्ड होता है, एक अनुशासन ऑफ द फील्ड होता है, तो हमें दोनों अनुशासन बनाए रखने हैं। ऑन द फील्ड में कोच साहब ने कहा कि भाई आपको इतने बजे ये करना, आपने वर्कआउट अच्छा कर लिया, अब घर गए जा करके, घर जाके अब रात को 1 बजे धमा चौकड़ी करते रहे, घूमते रहे, उल्टा सीधे काम करते रहे, बॉडी आपकी रिलैक्स नहीं हुई, और नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आपकी बॉडी थकी हुई होगी, तो आपका वो परफॉर्मेंस ना उस दिन आपका डाउन हो जाएगा, 100% डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को जो वर्कआउट किया है उसको रेस्ट भी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, तो बताने को बहुत कुछ है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना है, और आप सब लोग को आशीर्वाद है, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी। थैंक यू सर। आपने एक चीज़ सीख ली सर ने, कि डिसिप्लिन दो तरीका होता है, एक यहाँ पर ऑन ग्राउंड और एक ऑफ ग्राउंड। अगर ऑफ ग्राउंड आपने मेंटेन कर लिया, ऑन ग्राउंड तो हमें दिखा सिखाने वाले, और ऑफ ग्राउंड आपने मेंटेन कर लिया ना, तो आप बन जाओगे। और सर ने ऐसी प्रतिभाएं निकाली है, ऐसी प्रतिभाएं देश को दी, समर्पित की हैं, कि उनका कर्ज अगर देखा जाए तो चुका नहीं सकता, क्योंकि एक गुरु का कर्ज कोई भी चुका सकता है। एक बात और बताएं आपको, कि जो गुरु की पहचान है वो शिष्य से होती है। अगर आप अच्छे शिष्य बने तो आपसे पूछा जाएगा आपका गुरु कौन है। अर्जुन की वजह से द्रोणाचार्य की पहचान हुई, अगर अर्जुन ना होता तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं पूछता, है ना। तो आपसे गुरु की पहचान है और गुरु से आपकी पहचान है ना। तो गुरु का भी महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, पहचानना और उस प्रतिभा को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देना, उसको निखारना। कोच का काम खाली नहीं होता ग्राउंड में बताना, अगर आप खेल के आए परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं आई तो उस समय सबसे ज़्यादा आपको कोच की ज़रूरत है। आपको क्या आपने गलतियाँ की, आपका मॉरल कैसे बूस्ट करे, कैसे आपको लाइन पर रख के, क्योंकि हार से आदमी बहुत टूटता है ना। तो उस समय आपको भाई की काम करेगा गुरु, गुरु का काम भी करेगा, पिता का भी काम करेगा, दोस्त का भी काम करेगा। तो गुरु का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आप सब लोग समझदार हैं, गुरु आपके इतने अच्छे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।